are complex, lifeless chemical species which build up living systems and are required for growth and maintenance. हमने तीन तरीके के बायोमोलिक्यूल्स करने हैं. वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, अनदर इज एंजाइम्स, देन इज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. सो सबसे पहले डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स किन को कहते हैं? दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. कार्बोहाइड्रेट्स किन को कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी. इनके पास OH ग्रुप ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे. आपको अभी ये चीजें, ये डेफिनेशन अभी समझ आ जाएगी. दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है उनको एल्डोसिस कहते हैं, जिनके पास कीटोन ग्रुप फ्री होता है उनको कीटोसिस कहते हैं. बट कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स. अभी बताएंगे आपको ऑन हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है. मीन्स जब अगर तुम डाइसेक्राइड लेते हो उसमें पानी डालते हो तो दो मोनोसेक्राइड क्रिएट होंगे. अगर आप ट्राइसेक्राइड लेते हो, आप उसमें पानी डालते हो तो उससे तीन मोनोसेक्राइड्स क्रिएट होंगे. अभी आप बोलोगे मैम व्हाट आर सेक्राइड्स, बताऊंगी अभी कि सेक्राइड्स किन को बोलते हैं. लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हम कहते हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली फैट, नॉट फैट गिविंग, दे आर एनर्जी सोर्सेस. अब कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन हम इन तीन बेसिस पर करेंगे, ऑन द बिहेवियर ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस. जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें, मोनोसेक्राइड जिसमें पानी ऐड ही नहीं हो सकता, डाइसेक्राइड जिसमें पानी ऐड करके दो मोनोसेक्राइड्स ऑब्टेन हो जाते हैं, ट्राइसेक्राइड जिसमें पानी ऐड करके तीन मोनोसेक्राइड क्रिएट हो जाते हैं. कहने को खाने वाली चीनी भी चीनी है, शुगर है. सबसे ज्यादा तीन सब्जियां हैं जिनके बीच में शुगर प्रेजेंट होती है. आलू, पोटैटो, आलू, गाजर, मटर और शलगम. चार सब्जियां ऐसी हैं जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी इज शुगर. जितने भी लोग ऑन वेट रिडक्शन प्लान होते हैं उनको ये चार सब्जियां मना की जाती हैं. हमें आलू खाने में मीठा नहीं लगता, बट इट बिलोंग्स टू कैटेगरी नॉन शुगर. सो ऐसी शुगर्स जो स्वीट, कार्बोहाइड्रेट्स जो खाने में भी मीठे लगते हैं, दे बिलोंग टू शुगर. जो खाने में मीठे नहीं लगते, दे बिलोंग टू नॉन शुगर्स. अब अभी मैंने आपको बताया कि इनके पास एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. हम उनके स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर, अभी जब मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर कराऊंगी तब आप सबको पता लग जाएगा. जिसके पास तो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा वो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, और जिसके पास ये ग्रुप फ्री प्रेजेंट नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा. लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता रही हूं कि ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग. कुछ डायसेक्राइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, कुछ नहीं होते. हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वो रिड्यूसिंग है या नहीं? आई विल लेट यू नो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. पर हमने क्लासिफिकेशन इन तीन बेसिस पर करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस. मीन्स पानी एड करने के ऊपर ये मोनोसेक्राइड है, डायसेक्राइड है कि ट्राइसेक्राइड है. एज शुगर्स एंड नॉन शुगर्स, मीन्स खाने में मीठा है कि नहीं है मिठास. जितने भी आप चाइनीज डिशेस खाते हो जिनकी सबकी ये ग्रेवी बड़ी थिक सी होती है, अगर आप मंचूरियन खाओ या कोई भी चाइनीज डिश खाओ, उनकी ग्रेवी इज टू थिक. वो थिक किससे बनाई जाती? कॉर्नफ्लोर से. कॉर्नफ्लोर इज फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज ओनली कार्बोहाइड्रेट. और एज शुगर्स और नॉन शुगर्स मैंने आपको बता दिया. ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस आप इसको कैसे डिवाइड करते हो? मोनोसेक्राइड्स मीन्स मोनोमर, बेसिकली जो पॉलीमर के चैप्टर में करके हटे हो. डाइसेक्राइड दो मोनोमर जुड़े हो. ऑलिगोसेक्राइड्स को हम एक जनरल नाम देते हैं, ऑलिगोसेक्राइड्स. ऑलिगोसेक्राइड्स उनको बोलते हैं जिनमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, और पॉलीसेक्राइड्स उनको बोलते हैं जिनके पास बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं. They are known as polysaccharides. Oligosaccharides को हमने फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड एंड टेट्रा.
डाइसेक्राइड जो पानी डालो तो दो मोनोसेक्राइड क्रिएट करता है, ट्राइसेक्राइड जो तीन क्रिएट करता है. दैट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स विच आर ऑब्टेन. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस वी गेट इट. हमारे सिलेबस में तीन डाइसेक्राइड्स हैं, तीनों का स्ट्रक्चर है सुक्रोज माल्टोज एंड लेक्टोज. पॉलीसेक्राइड्स में हमारे सिलेबस में स्टार्च एंड एमाइलोज ये दो हैं. जहां दी है वहां बताऊंगी. अब शुगर एंड नॉन शुगर्स को आप कैसे क्लासिफाई करते हो. शुगर जो खाने में मीठा है, पानी में घुल जाता है, क्रिस्टलाइन स्टेट है. पोटैटो इज एमॉर्फस सॉलिड. इट इज इनसॉल्युबल इन वॉटर. इट इज टेस्टलेस. दे बिलोंग टू कैटेगरी रिड्यूस. क्या हो गया. अच्छा, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर स्किन को कहते हैं. रिड्यूस वॉट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. रिड्यूसिंग शुगर्स उनको बोलते हैं जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर दें. नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स उनको बोलते हैं जो टॉलरेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस ना करें. ये चीज आपको भी, तुम्हें मैंने इतना बता दिया कि मोनोसेक्राइड सारे रिड्यूसिंग होते हैं. आपको हेमी एसिटल, आपको एसिटल, आपको कीटल फॉर्म पता है. बताऊंगी अभी ये पॉइंट. अगर अभी समझ नहीं आ रहा कि मैम इस बात का मतलब क्या होता है कि उसके हेमिंग एसिटल और कीटल को अगर ओपन किया तो फ्री कार्बोनाइल ग्रुप आ गया. जब आप उसका अभी रिंग स्ट्रक्चर करोगे यू विल कम टू नो कि इसको कैसे किया जाए. ऑल मोनोसेक्राइड्स वेदर एल्डोजेज और किटोजेज दे आर ऑलवेज रिड्यूसिंग शुगर. पॉलीसेक्राइड्स सभी नॉन रिड्यूसिंग होते हैं. मोनोसेक्राइड सभी रिड्यूसिंग होते हैं. डाइसेक्राइड निर्भर करता है. किस चीज पर निर्भर करता है. ये मैंने सिंपल से कॉम्पिटिशन के लिए चीज दी है कि एक ऐसी रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज को छोड़ के, सुक्रोज भी, सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के एक्सेप्ट सुक्रोज, बाकी की सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर्स जो है वो फिनाइल हाइड्राजिन से रिएक्ट करती है. सुक्रोज को छोड़ के बाकी सभी के सभी जो है वो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करती है. अब मोनोसेक्राइड स्किन को कहते हैं जिसमें तुम फर्दर पानी नहीं घोल सकते. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज. देयर जनरल फॉर्मूला इज CH2ON. जनरल फॉर्मूला इज द CH2ON. कागज से साफ किया. मोनोसेक्राइड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज नोन एज एल्डोजेस एंड अदर इज नोन एज कीटोजेस. एक को बोलते हैं एल्डोज, एक को बोलते हैं कीटोज. एल्डोज उसको बोलते हैं जिसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटोज उसको बोलते हैं जिसके पास फ्री कीटो ग्रुप है. मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करो. इनके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 से 7 हो सकते हैं. मोनोसेक्राइड्स सभी के सभी रिड्यूसिंग होते हैं. मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल्स ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स. ये सभी के सभी मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल्स हैं. अब यहीं पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. ग्लूकोज, ग्लूकोज अकर्स इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट. गर्मियों में क्यों बोला जाता है ग्लूकोज खाने के लिए. एनर्जी गिविंग, बिकॉज बाय स्वेटिंग वी लूज लॉट ऑफ एनर्जी. इट्स अ गुड एनर्जी गिविंग सोर्स. एक बहुत अच्छा एनर्जी गिविंग सोर्स है. एंड राइप ग्रेप्स में, जैसे मैंने आपको बोला 3-4 सब्जियां बोली जिनमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. इसी तरीके से 4 फ्रूट है जिनमें सबसे ज्यादा चीनी है. आम, अंगूर, चीकू और किन्नू. 4 things are that which have got lot of sugar in it.